हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? क्या शादी पहले से तय होती है? इस सवाल का जवाब आज मैं देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। आप जितना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि शादी पहले से डिसाइडेड होती है, ऊपर वाला हमारी जोड़ियाँ बनाता है, जो पहले से ही तय होता है कि किस इंसान से हमारी शादी होगी। सब कुछ पहले से फिक्स होता है, हमारी तकदीर में पहले से ही लिख दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी, और कुछ भी पहले से तय नहीं होता है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आता है कि अगर शादी पहले से फिक्स है, मुझे मालूम है कि इसी इंसान से मेरी शादी होगी, या मुझे नहीं भी मालूम है तो मेरा फिक्स है कि इस इंसान से मेरी शादी होनी है, तो मैं क्यों इतनी टेक्निक लगाऊं, क्यों इतना परेशान हूं, अपनी एनर्जी लगाऊं? क्योंकि जिससे होनी है उससे तो होकर ही रहेगी, फिर मैं रिलैक्स क्यों ना हो जाऊं, राइट? तो ये सवाल बहुत बार आपको परेशान करता होगा। तो आज मैं अपने तरीके से इस सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश करूंगी, जो मुझे समझ में आया है इस टॉपिक पर, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, और जितना मैंने वीडियोस देखे, जितना मैंने रिसर्च मारी, उतना ज़्यादा मेरा कंफ्यूजन बढ़ गया। तो फिर एक चीज़, एक कंक्लूज़न मेरे दिमाग को समझ में आया कि अच्छा, ये चीज़ है, और वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही सरल शब्दों में आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊँगी, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मेरी समझ के अनुसार मैं आपको ये चीज़, ये टॉपिक क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। आप हो सकता है सहमत रहे, हो सकता है ना सहमत रहे, आपके ऊपर है, लेकिन मुझे जो समझ में आया है इस टॉपिक को लेकर, वो मैं समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, ये चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं। आपकी शादी किससे होगी, आपकी जन्म कब होगा, आपकी मृत्यु कब होगी, आपकी लाइफ में किन कौन कौन लोगों से आप मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें पहले से ही आपका एक नक्शा तैयार हो जाता है, एक एक पहले से ही एक आपका लाइफ का पूरा बोलते हैं ना कि एक नक्शा, एक प्रिंट पहले ही बना दिया कि ये आपकी लाइफ में होगा, इतने लोग आपकी लाइफ में आएंगे और ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो ये कैसे होता है? ये होता है आपके जो पास्ट आपकी लाइफ है, जो पुराने आपने जन्म लिए हैं, उसमें जो आपने कर्म किए हैं। तो हम हर एक लाइफ में कर्म करते आए हैं, और कर्म क्या करते आए हैं, कि कुछ लोगों से हम मिलते आए हैं, कुछ लोगों के साथ हमने अलग अलग रिलेशन निभाए हैं, किसी के साथ हमने अच्छा बिहेव किया है, किसी के साथ गलत बिहेव किया है, बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं, तो एक संचित कर्मा हो जाता है। तो अब उस कर्मों के हिसाब से हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लोगों से, ठीक है? तो अब हम यहाँ, क्योंकि शादी की बात कर रहे हैं, तो हम उसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, वहीं पर हम स्टिक रहेंगे। तो जब आपकी आपका जन्म होता है, उससे पहले ही आप एक सोल से फिक्स करके आए हैं कि हम दोनों शादी करेंगे, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके आए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों से आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि कब कब कौन कौन आपकी लाइफ में आएगा और क्या क्या लेकर आएगा, ये सारी चीज़ें आप फिक्स करके इस दुनिया में आ गए। अब जब आप इस दुनिया में आए हैं, तो आप इस शरीर में आए हैं, इस शरीर में मन भी है, इस शरीर में विचार भी है, इस शरीर में ईगो भी है। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब इस शरीर में आए, तब आप वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने उस पर्सन के साथ किया था, वो आप भूल चुके हैं। आपको कुछ याद नहीं है कि किस पर्सन के साथ आपने कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, किया था, ना ही उस पर्सन को कुछ याद है, ठीक है? तो अब मान लीजिए आप उस पर्सन से मिले, क्योंकि प्रकृति क्या करती है, प्रकृति को मालूम है, यूनिवर्स को पता है, डिवाइन को पता है कि आपकी लाइफ में क्या है, आपके क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्या लेसन सीखने के लिए आप आए हैं, और किस लेसन के सीखने के चलते आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि लोगों के द्वारा ही हम उन लेसन को सीखते हैं, और सीखने ही हम इस दुनिया में आए हैं, राइट? तो डिवाइन को सब पता है, तो डिवाइन क्या करते हैं, आपकी लाइफ में लोगों की एंट्री करते हैं। तो आपको क्या होता है, आप जब किसी इंसान से मिलते हैं, तो
तो आपको लगता है अचानक से मिल गए, या कुछ लोगों से मिलने पर आपको लगता है इसको तो पहले कभी देखा है, क्योंकि उसके साथ आप कुछ लाइफ बिताकर आए हैं, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, एक अचानक से हिंट होता है आपके दिमाग में, इसको तो मैं जानता हूँ। तो ये यही चीज़ होती है, क्योंकि उस इंसान के साथ आपने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो प्रकृति क्या करती है, क्योंकि आप जब इस शरीर में आए हैं, आप एक वाइब्रेशन फॉर्म में है, क्योंकि शरीर का एक ऑरा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक वाइब्रेशन है। तो आपकी जो भी वाइब्रेशन थी उसके अकॉर्डिंग आपने लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया। तो जब आप उस वाइब्रेशन, उस पर्सन जिस पर्सन के साथ आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था मैरिज का, ठीक है, उस पर्सन की वाइब्रेशन से जब आपकी वाइब्रेशन मैच हुई, वो पर्सन ने आपकी लाइफ में एंट्री मार ली, ठीक है। अब जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आया, अब यहाँ पर कुदरत ने क्या किया, क्योंकि आपकी लाइफ के डेस्टिनी में वो पर्सन था आपकी डेस्टिनी में, तो कुदरत ने आपको मिला दिया, क्योंकि आप उसकी वाइब्रेशन से मैच कर गए। आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं वो पर्सन था, कहीं ना कहीं आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। उस पर्सन की जो क्वालिटीज थी वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थी, इसलिए आपने उस पर्सन को अट्रैक्ट कर लिया। अब क्या हुआ, कुदरत ने मिला तो दिया, लेकिन अब मिलने के बाद आप क्या करते हैं, आप उस पर्सन के साथ रिलेशन रखते हैं, अच्छा रिलेशन रखते हैं, या फिर आप उस पर्सन के साथ एक ईगो को रखते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, आपकी बातचीत खराब ढंग से होती है, यानी कि अब आपका बिहेवियर उस पर्सन के साथ कैसा रहेगा, या उस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ कैसा रहेगा, आपकी चॉइसेस क्या रहेंगी, क्या आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बाद उसको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, उसके साथ आगे रिलेशन रखना चाहते हैं, या आप किसी दूसरे पर्सन के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि आप किन किन सोल के साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं आपको भी याद नहीं है। एक बार में एक पर्सन आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आते हैं। अब आपकी चॉइसेस होती है, मुझे इसके साथ जाना है या मुझे उसके साथ जाना है, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं किसके साथ कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई हूं। तो अब जो आप चॉइसेस लेंगे उसके हिसाब से आपकी आगे की जिंदगी यानी आपकी डेस्टिनी तय होगी। तो सब कुछ क्यों हो रहा है, कर्मों के हिसाब से। तब भी आप कर्म किए थे, तब भी आपने चॉइसेस ली थी, उस हिसाब से इस जीवन का नक्शा आपका तैयार हो गया। अब जो आप चॉइसेस कर रहे हैं, अब जो आप कर्म कर रहे हैं, अब जो आप थॉट्स ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी आगे की लाइफ तय होगी। तो यूनिवर्स आपको मिलाएगा, उन सारी सोल से मिलाएगा जिन जिन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन उन सोल्स के साथ मैच करेगी, वैसे वैसे वो सारी सोल्स को आप अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन चॉइसेस आपकी है कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। तो प्रीडेस्टाइंड था, लेकिन क्योंकि आपने अब चॉइस ली तो आप अपनी डेस्टिनी चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है आप उसी के साथ मिल जाए, और हो सकता है आप किसी और पर्सन के साथ मिल जाए। तो ये आपकी चॉइस भी होती है। यूनिवर्स मिलाने का काम करता है, प्रकृति मिलाने का काम करता है। अगर मैं रफली बोलूँ तो 70% चीज़ें डिस्टाइंड हैं, जैसे कि आपका जीवन, आपकी बर्थ, आपकी डेथ, आपकी लाइफ में कौन कौन लोग आएंगे, आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको लेसन्स भी सीखने हैं, चीज़ें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 30% आपकी चॉइसेस हैं जो आपकी डेस्टिनी को चेंज भी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, वो आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन आप उनको कैसे लेते हैं। अगर वो नेगेटिव चीज़ें हैं तो आप उन पर क्या चॉइसेस लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी थॉट्स पर डिपेंड करता है। इसलिए सिंपली अगर आप किसी पर्सन के को लेकर अट्रैक्टेड हैं, किसी पर्सन को लेकर आपके दिल में फीलिंग है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो सिंपल आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन में करते क्या है, थॉट्स देते हैं और एक्शन लेते हैं, आप कर्म करते हैं। और सब कुछ यही है कि चीज़ें सब कुछ हैं आपके लिए। अगर आपकी लाइफ में पैसा है, राजा बनना लिखा है, तो यूनिवर्स, क्योंकि आप कर्म संचित करके आए हैं, यूनिवर्स ने बोला है आपकी किस्मत में लिखा है, लेकिन कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आपको पानी पीना भी है तो आपको ग्लास उठाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा।
पानी यूनिवर्स मिला देगा, दे देगा आपको, पीना तो आपको खुद ही पड़ेगा। यूनिवर्स ने आपको उस इंसान से मिला दिया, अब उस इंसान के साथ आप क्या करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसा रिश्ता करते हैं रखते हैं, ये तो आपकी चॉइसेस है, ये तो आपके थॉट्स है, ये तो आपके कर्म है। तो आप अपने कर्मों के अकॉर्डिंग आपकी अभी की डेस्टिनी बनी और आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपकी आगे की डेस्टिनी बनेगी। तो इसीलिए जिस भी पर्सन के साथ आप फील करते हैं उस पर्सन को सिंपली मैनिफेस्ट कीजिए, एक्शन लीजिए और फिर ये सोचिए कि जो भी होगा अच्छा होगा। और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए कि यूनिवर्स जो भी करेंगे वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।